नमस्कार। पन्नगर विश्वविद्यालय से मेरी पीएचडी डिग्री कंप्लीट हो गई है और मैंने वापस भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ज्वाइन कर लिया है। इन 3 सालों में फिर से मैंने पन्नगर को बड़े करीब से देखा है और खास तौर पे उन विद्यार्थी को देखा है जो शिखरता के उच्चतम शिखर तक पहुंचे। आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि वो क्या ऐसी बातें हैं इस विश्वविद्यालय में रहकर जो विद्यार्थियों को सफल बनाती है। मैंने उन विद्यार्थियों को सफल होते हुए देखा, पहली बात, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में आने के बाद अपना भूतकाल में हुई असफलताओं को एकदम भुला दिया। यहां अधिकांश वो विद्यार्थी आते हैं जिनका बीबीएस में नहीं हो पाता या आईआईटीज में नहीं हो पाता, लेकिन यहां आकर वही विद्यार्थी सफल हुए जिन्होंने इस गम को भुला दिया कि भले ही उनका बीबीएस में ना हुआ हो या आईआईटीज में ना हुआ हो, यहां आकर उन्होंने अपनी एक नई दुनिया बनाई। यहां आकर उन्होंने यहां की संभावनाओं पर नजर डाली। यहां आकर उन्होंने नई संभावनाएं अपने लिए क्रिएट की और भूल गए अपने भूतकाल को और जुट गए मेहनत पे एक नया गोल और ड्रीम लेकर। तो यहां पर मैसेज इस विश्वविद्यालय में पढ़े छात्रों के लिए है कि अपने डिग्री के प्रोग्राम में आप अपने भूतकाल का रिग्रेट लेके आगे ना बढ़े, आप एनर्जी के साथ नए गोल स्थापित करके पढ़े। पहली बात मैंने उन सक्सेसफुल विद्यार्थियों में ये देखी। दूसरी बात मैंने उन विद्यार्थियों में ये देखी कि वह अपने कमरों से निकलकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हुए भी अपने एकेडमिक्स को अपने हाथ में होल्ड रखते थे। वो चाहे मैं तृप्ति भट्ट की बात करूं जो मेरी बैचमेट है जो इंडियन पुलिस सर्विस में गई, या मैं गजल भारद्वाज की बात करूं जो आईएएस बनी और मेरी जूनियर थी और स्पिट मैके में भी सहयोग दिया, या मैं बात करूं अपने दोस्त अनुपम बड़ की जो स्किट और ड्रामेटिक्स में इतना आगे होते हुए भी पहले चांस में ही एआरएस क्वालिफाई करके आज साइंटिस्ट है, कि उन सारे सफल विद्यार्थियों के अंदर एक गुण था कि उन्होंने यहां होती हुई सारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हुए भी अपने एकेडमिक्स को आगे रखा। और ऐसा जब विद्यार्थी करता है तो उसकी पर्सनैलिटी निखरती है, वो सारे इंटरव्यूज को क्वालिफाई एक ही बार में करके चला जाता है और उसके अंदर हमेशा मोटिवेशन का लेवल बना रहता है। तो दूसरा लेसन आप लोगों के लिए यह है कि केवल अपने को कमरे के अंदर बंद अपनी किताबों के बीच में ना रहें, एक रूटीन फॉलो करें जिसमें आप अपने एकेडमिक्स के लिए समय दें और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि यही एक विश्वविद्यालय है जहां इतनी सारी एक्टिविटीज इतने दिल लगा के टीचर्स और स्टूडेंट्स करते हैं, जहां आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तीसरी बात इन विद्यार्थियों में ये देखी कि इन्होंने अपना गोल निर्धारित किया, इन 4 सालों में अपना क्लियर कट रोड मैप बना के रखा। जिनको यूपीएससी के लिए जाना था उन्होंने 4 साल में अपनी एनसीईआरटी का बेस बनाकर कोचिंग करके सीधे क्वालिफाई किए। जिनको साइंटिस्ट बनना था उन्होंने अपना एमएससी अपना पीएचडी विद स्कॉलरशिप कहां से करेंगे कैसे करेंगे रोड मैप बना। 3 साल तक आप जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपके हाथ में आपका रोड मैप होना चाहिए, इन विद्यार्थियों को मैंने देखा। तो ये 3 गुण थे जिन्होंने इन विद्यार्थियों को सफल बना। और उसके बाद भी सफल बहुत सारे विद्यार्थी हुए, लेकिन टीचर्स के चहेते वही विद्यार्थी हुए जिन्होंने विश्वविद्यालय से प्यार करना सीखा, इस विश्वविद्यालय को अपना घर बनाना सीखा। यहां आकर वही चाम, वही एलिगेंस, वही जोश उनके चेहरों में फिर दिखाई देता है जब पन्नगर के गेट के अंदर आते हैं। तो जिसको इस मिट्टी से प्यार होता है, इस विश्वविद्यालय से प्यार होने लगता है, यहाँ की क्लासेस करना वो समय उसके जीवन का सबसे बहुमूल्य समय होता है जो विद्यार्थी कनेक्ट करता है पन्नगर से, वो और 3 गुणों को लेकर साथ चलता है, निश्चित ही सफलता उसके पास आती है और उस विश्वविद्यालय का ही नहीं भारत का नाम रोशन करता है। तो ये 3 मैसेज अपने जीवन में हमेशा के रखें। हमेशा नमस्कार।